सत श्री अकाल जी। अज जो मैं तुहानू फ्लार और पट सिखा रही हाँ बड़ा यूनीक जहा है। सब तो पहले मैं तुहानू ड्रॉ करना सिखावगी। सिंपल लाइन लगा के फिर एक पान के पत्ते वांगू ये शेप बनानी है, देख सकते हो तुसी। और थले डंडी और उस तो बाद नीचे लाइन लगा देनी है। और कलरिंग करन तो पहला मैं तुहानू ये रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि वीडियो नू लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल में सबसक्राइब जरूर करना। और एक वक्रा जहा बहुत घट तुसी इदा की शेप जी फ्लार आ ना वन स्टॉक ये देखा होएगा। चलो सीखते हैं। पहला फ्लार मैं तुहानू चंगी तरह सिखाऊंगी और दूजे फ्लार दे विच मैं तुहानू मोटिवेशन देने लई कहानी सुनाऊंगी। अठ नंबर का ब्रश लिया, रैड और पिंक कलर दोनों साइड्स से लगाया हाफ हाफ। और देखो जी मूवमेंट ब्रश नू लिया के और शेप दे नाल नाल ते उस तो बाद कलरिंग जिथे तुहानू लोड़ आ उथे कलर नू एक बार फिर ले लो। और इस तरह ही दूसरी साइड ते उस डायरेक्शन दे विच ही ब्रश नू मूवमेंट दे नाल चलाउणा और अगों थोड़ी जिहा तिखी शेप देनी आ। और एक बार मैं होर चला रही हाँ ता कि फ्लार दे विच फिनिशिंग आ सके। वो जिथे किते तुहानू लग रहा है कि स्टॉक नहीं लगा उथे तुसी दोबारा भी स्टॉक लगा सकते हो और शेप नू प्रॉपर एक पत्ते वांगू पर टेढ़ा पत्ता शो करांगे असी। और जदों पूरा फ्लावर अपनी शेप च आएगा तो बिल्कुल एक फ्लार की तरह ही लगेगा, मतलब पत्ता नहीं लगेगा। नीचे फिर गोलाई दे विच लिया के इस तरह स्टॉक लगावांगे। इनू तुसी मूवमेंट च जिस तरह मैं दोबारा देखो मूवमेंट च लिया के कीता इस तरह भी कर सकते हो। थल्ले डंडी बनावांगे, हुण ग्रीन डंडी बनावांगे ग्रास टाइप। उसे ब्रश नू यूज़ करके डंडी टेढ़ा करके आपां डंडी बनावांगे और नाल पत्तियां उस तरह ही जिवें वन स्टॉक। सारा फ्लार असी वन स्टॉक ही कर रहे हैं। सो मेरी कोशिश होंदी है कि मैं पहला तल वन स्टॉक पेंटिंग सिखावा परफेक्ट करा, उस तो बाद मिक्सिंग ते आवांगे क्योंकि मिक्सिंग थोड़ी जी ये नालों कॉम्प्लीकेटिड आ। और ये डिज़ाइन मैनू बड़ा यूनीक और प्यारा लगा। और एक गल दस देवां, किसी ने मैनू कमेंट किया सी, मैनू सॉरी नाम नहीं याद, कि अपनी बेटी दी मैं फ्रॉक पेंट करनी आ तां स्पैशली ये देख लो कि मैं तुहाडे लई ये डिज़ाइन चूज़ किया। इस तरह दियां तुसी कलियां बना सकते हो घेरे तो लैके उपर तक नू जांदियां हुईयां, सिंगल सिंगल कली सारे घेरे ते पा दो थोड़ी थोड़ी दूरी ते, बड़ा प्यारी तुहाडी बेटी दी फ्रॉक लगेगी। और उपर बॉडी ते पा दिओ, फिर गले ते भी पा सकते हो, बाजू ते पा दो, बड़ी प्यारी लुक आएगी। ठीक है, हुण सेंटर दे विच फ्लावर दे ग्रीन कलर दे नाल राउंड ब्रश दे नाल करके उस तो बाद असी बीज जिहड़े आ फ्लावर दे हुंदे आ ना उह वाइट कलर दे लगा दांगे। ता देखो कितना प्यारा जड़ा फ्लार है वो रेडी होया साडा। हुण इस तरह ही दो तीन फ्लार होर है वो मैं करांगी, तुसी ध्यान नाल देखना आ। मैं तुहानू दस दिता पहला ड्रॉ जरूर कर लेना ताकि प्रॉपर शेप दे विच तुहाडा फ्लार आए। और हुण रेडी हो जाओ कहानी दे लई। सो कहानी इस तरह, एक वारी एक लड़का हुंदा और अपने दादे नू मिलन जांदा, उहदे मम्मी पापा शहर रहिंदे हुंदे ने और पिंड जांदा अपने दादे नू मिलन। और अपने दादा जी नू जाके कहिंदा कि दादा जी मैनू कुछ इहो जिहियां गल्लां सिखाओ, इहो जिहियां काम आउण वालियां गल्लां दसो, इहो जिहे गुण दो मैनू कि मैं जिंदगी विच इक बहुत वड्डा आदमी बणा। ते उहदे दादा जी मतलब वो नाल बहुतियां गल्लां नहीं करते, तो उन्हें कहिंदे आ चल तू मेरे नाल आप बाहर चलते हैं घूम फिर के आने आ, लैके जांदा। तो वापसी ते वो दो पौधे खरीद के लैके आते हैं। तो कहिंदे दादा जी ये किस वास्ते, दादा जी कहिंदे तू चुप कर बस देखता जा। तो की करते आ दादा जी, वो एक पौधा घर के अंदर लगा देंगे और एक पौधा घर के बाहर यानी कि सड़क ते कह तो उत्थे लगा देंदे। और फिर बच्चे नू कोई समझ नहीं आउंदी कि मैं दादा जी नू की पूछा और दादा जी ने मैनू पौधे लगवाते। चलो फिर दादा जी उस पोते नू अपने नू पुछदे आ
तू दस ये जो दोवां विचों ज़्यादा पौधा केड़ा वड्डा बनेगा जल्दी केड़ा वधेगा। तो पुत आंदा लै दादा जी जिहड़ा आपां घर दे अंदर लाया ना उही पौधा जिहड़ा आ उह बहुत वड्डा इक दिन रुख बनेगा क्योंकि इहनू बाहर जिहड़ियां इन्नियां मतलब परिस्थितियां दा जां कठिनाइयां दा सामना करना पैना वह नहीं करना पएगा। बाहर तैनू बड़िया मुश्किल आउणगियां और अंदर यह पूरी तरह सेफ होएगा। दादा जी चुप रहिंदे आ कहिंदे ठीक है पुत्तर ओके चलो आपां देखदे आ। तां दो तीन सालां बाद या चार पाँच सालां बाद जिन्ने जिस टाइम तो बाद भी वो लड़का वापस आउंदा अपने दादा जी कोल ते आके दादा जी नूं कहिंदा दादा जी वो जिहड़े पौधे सी वो कित्थे आ। तां दादा जी उहनूं पहलां अंदर वाला पौधा दिखाउंदे आ तो वो काफ़ी वधिया ग्रोथ हुई हुंदी आ उस पौधे दी और बड़ा वधिया बनिया हुंदा वा। तो वो कहिंदा मुंडा भी दादा जी मैं तुहानूं कहा सी ना कि ये वाला जिहड़ा पौधा आ ये बहुत जल्दी वधेगा। तो उहदे दादा जी कहिंदे पहला तू जाके बाहर वाला पौधा देख। तो वह मुंडा भज्जा भज्जा जांदा बाहर वाला देखदा और वेखदा बाहर वाला पौधा तो बड़ा ही विशाल और बड़ा मजबूत और शाखावां फैलियां हुई और बड़ा फलदार। तो वह अपने दादा जी नूं पुछदा दादा जी ये किदां उहनूं तो बड़ियां मुश्किल आईयां होणगियां। तो दादा जी कहिंदे कि यही गल मैं तैनूं सिखाउणा चाहुंदा सी तू पुछ रिहा सी ना मैनूं गुण दवो यही देना चाहुंदा आ कि जिंदगी दे विच जिन्ना तुसी मुश्किलां दा सामना करोगे उन्हां नूं फेस करोगे उन्हां नाल लड़ोगे और मुश्किलां चों निकल के ही तुसी एक दिन एक चंगे इंसान बनोगे। जिन्नी देर इंसान मुश्किलां चों ना गुजरे उन्नी देर सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। असीं कोई सफल व्यक्ति देखते हैं ना तो सफल व्यक्ति पिछे बहुत संघर्ष हुंदा है। सो हमेशा संघर्ष करते रहो एक दिन जिहड़े मुकाम ते पहुँचोगे वो मुकाम बहुत सोहना होएगा। भावें वह कोई भी होवे तुहाडे शौक होण या कोई रेस होवे या कोई जो भी है जंग दा मैदान होवे कोई भी होवे संघर्ष जिंदगी लई बहुत जरूरी है क्योंकि संघर्ष विचों निकल के आदमी कदे भी नहीं हारदा। उहनूं हर एक परिस्थिति नूं फेस करना आउंदा आ उस पौधे की तरह ही जिसने सारियां जड़ियाँ हनेरियाँ या मीह या अपने पिंडे हंडाए होंगे। सो मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहानू कहानी भी बहुत सोहनी लगी होएगी पसंद आई होएगी और डिज़ाइन तो नो डाउट मैनू बहुत पसंद आ तुहानू भी पसंद आया होएगा। बट ये बहुत यूनीक डिज़ाइन आ बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन आ मैनू भी बहुत पसंद आ मैं कर रही हाँ मैनू बिल्कुल रिलैक्सिंग जहा फील हो रहा है जदों मेरा मैं फस्ट टाइम ये डिज़ाइन किया इस तो पहला मैं डिज़ाइन नहीं किया पर अज मैं बैठे बैठे जदों ये डिज़ाइन क्रिएट किया तो मैनू बड़ा ही प्यारा लगा और मैं सोचा क्यों ना मैं एक फ्लावर जदों बनाया तो तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगी। उस टाइम मैं स्टैंड ते मोबाइल सैट किया और तुहाडे नाल शेयरिंग शुरू कर दी। सो इस तरह ही वीडियो नूं पसंद करते रहना चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना शेयर करन दे नाल चैनल नूं ग्रोथ मिलेगी। अगली वीडियो लैके फिर हाजिर होवांगे तद तक दे लई सत श्री अकाल। पेंटिंग्स बनाते रहो हमेशा खुश रहो। धन्यवाद जी।